हेलो अस्सलाम वालेकुम वीवर, जिस तरह आप देख रहे हैं हम इस वक्त ये आतिफ असलम जो जिनकी हमने पहले भी वीडियो बनाई है, हम उनकी छत पे हैं और अभी वो फ़िलहाल हैं नहीं छत के ऊपर, उनके भाई हैं। क्या नाम है आपका भाई? काशिफ। उनके भाई काशिफ हैं और ये दो उनके दोस्त भी आए हुए हैं। तो इस वक्त हम इनकी छत के ऊपर हैं और आप लोगों की फरमाइश के ऊपर हम आए हैं वीवर। और ये इनके लड़ते हुए कबूतर हैं, बाकी जो इनके पकड़े हुए कबूतर हैं वो इधर हैं। ये देखें बराबर में भी टोलियाँ उड़ी हैं, तो ये अभी हमें थोड़ा लड़वा के भी दिखाएंगे और जो इन्होंने कबूतर पकड़े उसके बारे में भी हमें बताएंगे। तो ये देखें आप वीवर, ये इनके कबूतर हैं जो इस वक्त लड़ रहे हैं। कबूतर थोड़े कम हैं लेकिन लड़ते हुए, तो अभी देखते हैं ये हमें लड़वा के भी दिखाएंगे और इनके पकड़े हुए कबूतर भी देखेंगे, क्योंकि इनके पकड़े कबूतर बहुत खूबसूरत होते हैं। तो इस वजह से हमारे वीवर ने हमसे फरमाइश की कि आतिफ असलम की छत पर दोबारा जाएं, तो हम अभी आतिफ असलम की छत पर आएँ इस वक्त। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ये देखें वीवर, ये इस तरह से उड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, तो आप वीडियो को देखिएगा। ये देखें कबूतर इनके भी गए और ये वो दूसरी टोली उड़ी है, एक टोली है, तो अभी ये कबूतर लड़ेंगे। हमारे वीवर हमसे फरमाइश करते हैं, देखें ये फाइट हो गई वीवर। तो इस तरह से वीवर ये देखें फाइट होती है, देखें ये तीसरी टोली ये रही और ये इस तरह से फाइट हो रही है। ये आतिफ भाई की कबूतर है ये वाले, ये देखें ये यहाँ पर उड़ रहे हैं और इस तरह से फाइटें जा रही हैं। और कितने कबूतर है, दो दस से निकल के उड़ने लग रहे हैं। अभी देखते हैं वीडियो में कि इनके पास कोई कबूतर आता है या नहीं आता। ये देखें वो भी सामने खड़े हैं, एक भाई अदनान भाई, शुक्रिया अदनान भाई। तो ये इस तरह से फाइटें भी चल रही हैं, सब लोग देखते भी हैं, शुगर भी करते हैं। वो देखें और भी कबूतर उड़ रहे हैं, यहाँ पर बहुत कबूतर पाले हुए हैं, लालू खेत का एरिया है। कोई कबूतर नहीं लगा क्या? विवाह कबूतर लड़े तो थे लेकिन लगे नहीं। ये देखें वो टोली एक वहाँ पर उड़ कर रही है, दोबारा लगते लगते बच गए। ये अब इनके कबूतर आना शुरू हो गए, ये वाले भी आ रहे हैं, ये आ गए वीवर इनके कबूतर। कोई कबूतर आया क्या? तो वीवर आपने देखा कोई कबूतर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर कितनी टोलियाँ हैं वो देखें, वो भी एक टोली उतर रही है सामने। और ये भी है, ये अमजद भाई की छत है जैसा आपने देखा, ये उनके कबूतर उड़े, ये देखें। ये देखें एक टोली यहाँ से उड़ी और अब इनकी फाइट होगी, ये हो गई। आपने उड़ा दे, ये देखें वो फाइट हो चुकी है, दो टोलियाँ तो लग गई हैं। और ये तीसरी टोली आतिफ भाई की, ये भी उड़ गई है। ये देखें दो टोलियाँ लगी हुई हैं और ये किस तरह से कूद रहे हैं कबूतर, अमजद भाई के पास कूद गए। और ये बाकी एक टोली उड़ रही है, ये आतिफ भाई के कबूतर हैं। तो व्यूअर आपने देखा किस तरह से शौक किया जा रहा है यहाँ पर कबूतरों का। अभी हम इनको, इन्होंने कबूतर बहुत ज़बरदस्त पकड़े हैं, पहले भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमसे इनके जो कबूतर इन्होंने बहुत ज़बरदस्त पकड़े थे उसकी वजह से इन्होंने हमारे व्यूअर्स ने कहा कि इनके पास विज़िट करें दोबारा, तो उन्होंने और भी कबूतर पकड़े हैं, अभी हम वो भी देखेंगे इनसे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये देखें एक कबूतरों की टोली वो है सामने अमजद भाई की छत की, बाकी एक ऊपर उड़ रही है। तो यहाँ पर बहुत शौक किया जा रहा है, वो देखें आगे तक टोलियाँ जा रही हैं लेकिन कोई पकड़ा नहीं गया अभी तक कोई कबूतर। ये देखें भी भाई, ये देखें भी भाई कितनी सारी टोलियाँ उड़ रही हैं। अभी देखते हैं अगर लड़ती हैं तो, आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी भाई इतनी सारी टोलियाँ हैं, मैं सोच रहा हूँ कैमरा रखूँ तो किस टोली पर रखूँ समझ में नहीं आ रहा।
सो आप वीडियो को फिलहाल एंड तक देखिएगा। ये देखें कूद रहे हैं कबूतर, ये इनके पास इनके कूद गए और उनके उनके पास कूदेंगे। ये एक उनका उनके पास कूदा और ये दूसरे कूद गए और ये इनके भी आ गए यहाँ पर। तो व्यूअर आपने देखा टोलियाँ उड़ तो रही हैं, लड़ भी रही हैं, लेकिन कोई कबूतर नहीं आ रहा फिलहाल। लेकिन इस तरह से टोलियाँ लड़ाई जाती हैं, जो आप बोलते हैं कबूतर लड़ते किस तरह हैं, लड़ते किस तरह हैं, तो इस तरह से लड़ते हैं कबूतर। ये काबली किसका आ रहा है? ये काबली भी इन्हीं का है व्यूअर, ये टोली में गोल हुआ हुआ है। तो ये देखें इनके कबूतर, जंगले भी हैं। ये रेसर है ना जंगला, प्यारा यार माशाल्लाह से। ये रेसर है व्यूअर, जंगला बहुत खूबसूरत है। ये बाहर वाला लग रहा पाकिस्तानी है ये रेसर, बाहर का है पाकिस्तानी है ये? पाकिस्तानी है, हाँ पाकिस्तानी है व्यूअर। जिस तरह इस बच्चे ने बोला, बच्चे देखें व्यूअर, बच्चों ने इन्होंने बोला कि ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बाने पहना हुआ है, राइट, क्योंकि बाहर वालों के तो रिंग डला होता, रिंग बर्ड होते। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इन्होंने कबूतर पकड़ा, अभी हम वो दिखाएंगे, इनके पास बहुत प्यारे कबूतर होते हैं। होप आपको वीडियो भी पसंद आ रही होगी। तो व्यूअर ये देखें, ये आतिफ असलम के कबूतर हैं, जिनकी छत पर हमने पहले भी विजिट किया था। ये खाल भी है इसके अंदर, बहुत प्यारा। तो आपको इनके कबूतर कैसे लग रहे हैं? घाघरे, लालबन, इनके पास ये सब हैं। शेराजी, ये देखें घाघरे, ये देखें, और ये भी घाघरे भी हैं इनके पास। इन्होंने सारे कबूतर पकड़े हुए हैं। ये आतिफ असलम की छत पर हैं हम, और इस वक्त हम अपने व्यूवर्स की डिमांड के ऊपर हम लोगों ने इनकी छत का विज़िट किया दोबारा। ये इनके देखें कबूतर गूंज रहे हैं छत के ऊपर। ये देखें रंगीन कबूतर भी हैं इनके पास, और ये इस तरह से इनकी छत है। जिस तरह से हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि इन्होंने ये छत जो है ये रेंट पे ली हुई है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे से, और जिस तरह से आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, इन्होंने ये छत रेंट पे ली हुई है। तो इसका रेंट भी देते हैं 2500 पर मंथ इस रूफ़ का। और ये इन्होंने अपने शौक के लिए छत ली हुई है, जहाँ पर इन्होंने रंगीन कबूतर भी रखे हुए हैं, देसी कबूतर भी इनके पास, और घाघरे, जंगले, ये सारे कबूतर हैं। और इन्होंने कबूतर बहुत सारे पकड़े हुए हैं, हम अभी वो भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि इनके पास कबूतर बहुत अच्छे होते हैं जो ये पकड़ते हैं, जिसकी वजह से हम इनके पास आएँ। और हमारे व्यूवर्स ने भी इसी वजह से फरमाइश की थी। ये देखें इन्होंने तीन केज बनाए हुए, एक केज वो है, एक केज ये है, और एक केज इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इस तरह से इन्होंने सब में अलग अलग से कबूतर रखे हुए हैं। तो ये देखें व्यूवर, ये कितनी खूबसूरत है ये कबूतर। ये खाल है, और उसके साथ ये भी देखें शेराजी टाइप की है। तो व्यूअर आपको इनके कबूतर कैसे लग रहे हैं आतिफ असलम के, आप ज़रूर बताइएगा। आज आतिफ असलम तो है नहीं छत पर, लेकिन उनके भाई काशिफ हैं, तो हम इनसे कबूतर अब चेक करते हैं जो जो इन्होंने पकड़े हैं। तो आप देखिएगा, हाँ काशिफ भाई दिखाएंगे कबूतर कौन कौन से पकड़े हैं आपने, पकड़ के दिखा देंगे हाथ में। तो व्यूअर इन्होंने जो जो कबूतर पकड़े हैं अभी पकड़ के दिखाएंगे, आप देखिएगा। ये देखें व्यूअर, ये शेराजी है ना, ये लाल शेराजी में से, लाल शेराजियों में से। ये कब पकड़ी आपने? ये भाई इतवार को पकड़ी थी हमने। सही। तो व्यूअर आप देखें ये लाल शेराजी है, इन्होंने इतवार वाले दिन पकड़ी है। ये कितने तक की होगी, कुछ आइडिया है प्राइस? हज़ार रुपये तक की होगी, 1100-1200। 1200-1200 तक इसके प्राइस होंगे व्यूअर। और ये शेराजी है, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और दिखाएंगे और कौन से पकड़े हैं। ये देखें इन्होंने खोली भी है। और दिखा रहे हैं काशिफ भाई कौन से पकड़े हैं।
कबूतर परेशान तो नहीं होंगे आपके? अगर परेशान हो रहे हैं तो बंद करके पकड़ लें, कोई मसला नहीं है, अंदर कर दें जाल में, फिर आराम से पकड़ के दिखा दिया। सो व्यूअर देखें, इस टाइम असल में मगरिब का टाइम भी हो चुका है, तो कबूतर थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे हैं। जो इन्होंने पकड़े कबूतर वो हम आपको अभी दिखाते हैं, अंदर से ये जाल में बंद कर देते हैं फिर पकड़ के दिखाते हैं। सो व्यूअर होप आपको इनकी छत भी अच्छी लगी होगी और इनके कबूतर भी अच्छे लगे होंगे। अगर इनके कबूतर और इनकी छत अच्छी लगी हो तो आप लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आप भी लाइक करते हैं तो फिर हमें भी खुशी होती है। ये देखें ऊपर बैठ गया जो इन्होंने पकड़ा था इतवार वाले दिन, तो हमें भी खुशी होती है आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं। तो ये देखें व्यूअर, ये आप कबूतरों को अंदर बंद कर रहे हैं ताकि ये हमें आसानी से दिखा सकें जो इन्होंने कबूतर पकड़े। देखना काशी को भाग ना जाए कबूतरी, ये आ गए नीचे। तो व्यूअर ये लोग ज़रा आराम से कबूतर बंद कर दें तो फिर हम आपको दिखाते हैं इनके कबूतर जो इन्होंने पकड़े हुए और कैसे कबूतर इन्होंने पकड़े। ये देखें कुछ उस जाल में जा रहे हैं क्योंकि वो उस जाल के हैं, और कुछ कबूतर उस जाल के हैं तो वो उस जाल में जाएंगे, और वो कुछ कबूतर उस जाल के हैं तो वो उस जाल में जाएंगे। ये देखें व्यूअर, तो व्यूअर ये देखें इन्होंने एक घाघरा पकड़ा हुआ, घाघरा है ना ये जी। क्या नाम है इसका, कौन सा घाघरा कहते हैं, बनारसी घाघरा या देसी घाघरा? घाघरा मस्की है, देसी। क्या ये देसी? देसी क्या घाघरा? घाघरा मस्की, देसी। मस्की, मस्की। तो व्यूअर ये देखें ये घाघरा मस्की है देसी। ये घाघरा देखें कैसा है, इसका फ्रंट भी देख लें, थोड़ा आगे से दिखाना बेटा। ये देखें व्यूअर आगे से भी कैसा है, और बहुत प्यारा घाघरा है। ये कब पकड़ा था? एक दो दिन पहले पकड़ा था। सही, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से। और भी दिखाना, कितने कबूतर पकड़े तुमने अभी कुछ दिन पहले? तो व्यूअर आप वीडियो को एंड तक देखें, इन्होंने 5-6 कबूतर पकड़े और सारे अच्छे पकड़े हुए। ये कौन सा घाघरा है? जरद गंडो का घाघरा। ये कितने का है, कितने का होगा ये काशिप? 800-700 रुपए तक का होगा। सो व्यूअर ये देखें ये घाघरा कौन सा बताया? जरद गंडो का घाघरा है ये, 800-700 रुपए का, 800-700 का होगा व्यूअर। ये देखें कैसा लग रहा है आपको, खूब आपको अच्छा लग रहा होगा। सही, और दिखाना बेटा। ये देखें व्यूअर ये भी है इनके पास, ये कौन सा रेसर है? रेसर है ये चिट्टा लाल बन। तो व्यूअर ये देखें चिट्टा लाल बन है, इसको खोल के दिखा दोगे थोड़ा? ये देखें व्यूअर ये कितने तक का होगा? 800-900 का होगा व्यूअर। ये चिट्टा लाल बन था माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा है, नाइस। ये भी पकड़ा है, ज़बरदस्त। तो व्यूअर ये देखें ये घाघरा भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। अब असल में मगरिब का भी टाइम हो गया, अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा। ये कौन सा घाघरा है? ये भी जरद गंडो का घाघरा है। तो व्यूअर ये देखें ये जरद गंडो का घाघरा, ये भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। सही, ज़बरदस्त। और ये काश भाई तुम्हारे पास कौन सा है? ये घाघरे बहुत पकड़े हैं। ये कौन सा घाघरा है? ये भी घाघरा, जरद गंडो का। तो व्यूअर ये भी देखें जरद गंडो का घाघरा इन्होंने पकड़ा हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। इसकी क्या प्राइस होती है? वही 800, 1200 का होगा। ये सफ़ेद गंडो का थोड़ा, अच्छा सफ़ेद गंडो का है थोड़ा सा, ये 1200 होगा, यानी कि 1000-1200 का होगा। सही, नाइस। और शराजी जो काला तुमने पकड़ा हुआ था वो दिखा दो। तो व्यूअर ये देखें, पहले भी एक लाल शराजी दिखाई थी, ये दूसरी लाल शराजी है, और ये भी इन्होंने पकड़ी हुई है। इसके क्या प्राइस होंगे? वही 1500-2000। ये गर्दन क्यों मोड़ ली है? ये थोड़ी हवा में थी उसके। अच्छा, ये थोड़ी हवा में है व्यूअर। तो देखा आपने, लाल शराजी है, थोड़ी हवा में ये। सही, उड़ती है लेकिन। हाँ, उल्टी भी पकड़ी थी। तो व्यूअर देखा आपने, आतिफ असलम की छत पे इन्होंने कबूतर बहुत ज़बरदस्त पकड़े होते हैं। और ये वाला कौन सा घाघरा है तुम्हारे पास? ये घाघरा भी भाई पकड़ा। ये बनारसी घाघरा ये? तो व्यूअर ये देखें बनारसी घाघरा ये होता है, दिखाना इसको जरा खोल के। ये देखें व्यूअर ये बनारसी घाघरा है, और ये भी इन्होंने पकड़ा है। इसके पर खोल के दिखाओगे? इसके पर काटे में तुमने? जोड़ों में डाल दिया। तो व्यूअर ये देखें इन्होंने बनारसी घाघरा इन्होंने पकड़ा हुआ है, और ये इसके पर काट दिया इन्होंने, जोड़े में डाल दिया। फ्रंट दिखा दोगे इसका थोड़ा सा? ये देखें व्यूअर इस तरह से इसका फ्रंट होता है, ठीक है।
ये देखें व्यूअर, ये एक और शराजी है ब्लैक कलर की। असल में अंधेरा होता जा रहा है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं आ रही होगी, लेकिन जितनी हमसे कोशिश हो रही है हम करके दिखा रहे हैं। ये भी इन्होंने पकड़ी हुई है, इसका ऊपर से दिखा दोगे कैसी है? तो ये कब पकड़ी आपने? ये मंगल को पकड़ी है। सही, इन्होंने मंगल को पकड़ी है व्यूअर। ये और फ्रंट दिखाना थोड़ा सा ऊपर करके, ये देखें व्यूअर ये कैसी है, और ये भी इन्होंने पकड़ी है। सो व्यूअर आपने देखा कि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर पकड़े में। तो ये इनकी छत थी और ये बच्चे हैं अभी, आतिफ भाई तो है नहीं, अभी असल में रात होती जा रही है। तो ये आतिफ भाई के भाई काशिफ वो दूसरे कबूतरों को बंद कर रहे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने बंद कर दिया। तो व्यूअर ये हम वीडियो आज की हमने ये हमारे व्यूअर की फरमाइश पे बनाई थी। आतिफ भाई है नहीं लेकिन उनके भाई हैं, आप लोगों ने हमें कबूतर दिखा उसका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया भाई। हाँ सो व्यूअर होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।